हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट की फटकार। कोई जवान रोटी मांगता है तो उसकी नौकरी छीन लेना कहाँ का न्याय है। बीएसएफ के तेज बहादुर यादव को कौन भूल सकता है। हरियाणा के रहने वाले इस जवान ने सैनिकों को मिलने वाले खराब खाने का खुलासा किया था। तेज बहादुर यादव ने जवानों को मिलने वाले खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो पर जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद तेज बहादुर यादव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तेज बहादुर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती दी है। उनकी ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बंसरी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये ब्लंडर है। कोई रोटी मांगे तो क्या उसकी रोटी छीन लेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी कर 28 मई तक जवाब मांगा है। अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक तेज बहादुर ने एडवोकेट एसपी यादव के जरिए दायर याचिका में बताया है कि उसने बीएसएफ के वीआरएस के तहत स्वेच्छा से सेनावृत्ति देने की मांग की थी। पहले इसकी इजाजत दे दी गई, लेकिन बाद में उसकी वीआरएस के आदेशों को रद्द कर उसे सेवा से बिना कोई पूर्व नोटिस दिए ही बर्खास्त कर दिया गया। याचिका में तेज बहादुर ने बताया है कि जनवरी 1996 में वह बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर नियुक्त हुआ था। उसे सेवा काल में कई इनाम भी दिए गए, जिसमें गोल्ड मेडल भी शामिल था। तेज बहादुर यादव ने अक्टूबर 2015 में घटिया खाना दिए जाने की सैनिक सम्मेलन में शिकायत की थी। इस बारे में सैनिक सम्मेलन में शिकायत करने के लिए उसने एक वीडियो बनाया था, जिसे उसके साथी ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बीएसएफ ने इस वीडियो को फोर्स की छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।